हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक गाइड। हम आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट नए यूट्यूबर्स और वीडियो क्रिएटर्स को झेलना ही पड़ता है जब कभी वो अपने स्मार्टफोन के लिए कोई बोया या मोन माइक या फिर कोई छोटा लैपर माइक मंगवाते हैं। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि उनके मोबाइल फ़ोन में वही माइक जो है सपोर्ट नहीं कर पाता है। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो है आपके मोबाइल फ़ोन में जो एक्सटर्नल माइक होती है वो जो है आपके कैमरे से कंपेटेबल नहीं हो पाती है। जो आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा आता है इनबिल्ड होकर के, उसमें वो कंपेटेबल नहीं होती है, इसलिए जो है उस पर सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो इसका वजह ये नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन सी सेटिंग्स आपके फ़ोन में करनी होती है जिसके लिए ये कंपेटेबल हो पाए। तो उसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखा दिया है। आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, आपके ही स्मार्टफोन में जो कैमरा आता है उसी कैमरे पर आपकी ये बोया मोन माइक या फिर कोई लैपर माइक है तो वो काम करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लीजिए आज इस वीडियो में कि कैसे क्या सेटिंग करना होता है जिससे आपके मोबाइल फ़ोन में ये माइक आपके इसी कैमरे पर काम कर पाए। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी जब कोई नई वीडियो आए तो आप तक जरूर पहुंच जाया करे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बोया या मोन माइक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा। आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा अदर्स सेटिंग्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में जनरली ये सभी लोगों के फ़ोन में जो है ऑटो सिलेक्टेड होता है, इसको आप नीचे ऐड ऑन कर देंगे। ऐड ऑन करने के बाद में आपका यही माइक बोया यमन है या फिर कोई लेपर माइक है आपके इसी डिफ़ॉल्ट कैमरे पर रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा और पूरी तरीके से अच्छे से रिकॉर्ड करेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आपको कोई अदर एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी सेटिंग्स को कर लेने के बाद में आपका जो है फ़ोन इसी माइक से जो है आपका रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बोया यमन माइक को अपने डिफॉल्ट कैमरे पर कैसे सेट कर सकते हैं। इसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखा दिया है। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।